हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये स्पेशल डिमांड पे बनाया जा रहा है। एंड क्या डिमांड है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच। यस, हम बनाएंगे सैंडविच। हाय बोलो सबको पहले। हेलो। तब मिलेगा सैंडविच। यस, तो चलिए आपको किचन दिख रहा होगा पीछे, तो चलिए हम चलते हैं अब किचन में एंड देन स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। वेलकम टू माई किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। तो पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। चलिए, सो गाइस, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें है कैबेज, टमाटर, धनिया एंड खीरा, शिमला मिर्च, अनियन, ये फ्रेश मलाई है घर की निकाली हुई, एंड ब्लैक पेपर, चाट मसाला। ये जो मैंने वेजीज लिए हैं ये बिल्कुल आप क्या वेजीज लेना चाहते थे दैट इज़ अप टू यू। ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है, आप चाहे तो कुछ और भी वेजेस डाल सकते हैं, लाइक कैरेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली ये घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं तो मैंने यही सबको यूज़ किया है। ओके, एंड मैंने लिया है मेयोनीज, ऑरिगैनो एंड रेड चिली फ्लेक्स है, मैंने ऑप्शनल है, ये आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे दैट इज़ अप टू यू, एंड रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, ये दोनों मैंने उल्टा बोल दिया। ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस, ये ब्रेड में स्प्रेड करने के लिए ये मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, घर की बनी हुई बिल्कुल, और नमक, और साथ में लिया है ब्रेड जो कि ऑब्वियस है सैंडविच बनाने के लिए सबसे मेन इन्ग्रीडियंट। साथ ही मैंने सैंडविच स्प्रेड भी लिया है, ये आप चाहे तो ले सकते हैं अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। एंड मैंने अमूल के चीज़ स्लाइसेस लिए टू मेक चीज़ ग्रिल सैंडविच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बड़ा सा कंटेनर लिया है, अब इसमें सारे वेजेस को मैं डालने वाली हूँ एंड देन मिक्स बनाना है, मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले डालिए कैबेज, मिर्च एंड धनिया पत्ता थोड़ा सा डाली, टमाटर। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कितना क्वांटिटी में क्या लेना चाहते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ। एक से 2 पिंच ब्लैक पेपर, सेम चाट मसाला भी 1 से 2 पिंच डालूंगी मैं, बस टेस्ट के लिए डाल रही हूँ ये। नमक स्वाद अनुसार डालना आपको, और ये भी ध्यान रखिएगा अभी मेयोनीज भी डालने हैं इसमें, हमने चाट मसाला भी डाल, इन सब में भी नमक रहते हैं, सो आपको अकॉर्डिंगली नमक डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच इतना मेयोनीज डालेंगे। मैं मेजर करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट मी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसे एंड देन हम फिल करेंगे। गाइस देखिए हमारा फिलर रेडी हो चुका है एंड कितना ग्रीन एंड कितना कलरफुल दिख रहा है, तो चलिए अब इसको हम फिल करना स्टार्ट करेंगे सैंडविच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो ब्रेड लिया है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ घी, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी यूज कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ सैंडविच स्प्रेड। मैंने सैंडविच स्प्रेड लगा लिया, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ग्रीन। क्वांटिटी आप जितना चाहे डाल सकते हैं,
टेस्ट के अनुसार, कुछ ज़्यादा स्पाइसी एंड चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चलिए अब इसमें डालेंगे फिलर। अच्छे से डालते हैं बिना कंजूसी के। अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है, इसके ऊपर मैं डालूंगी रेड चिली सॉस। आप चाहे तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। और अब डाल देते हैं चीज़ स्लाइस एंड इसको हम कर देंगे कवर। चलिए हमारा सैंडविच फिल हो चुका है, अब इसको हम ग्रिल करने के लिए रखते हैं। मेरा प्लग यही है तो मैं इसको यहीं पे रखूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा हीट करने के लिए रखा है मैंने। तब तक हम क्या करेंगे, इस बात की आप ध्यान रखिएगा कि जो हमने ये ब्रेड सैंडविच रेडी किया है ग्रिल करने के लिए, इसमें वन साइड में लगाऊंगी घी या बटर, आप जो भी लगा रहे हैं ये इसमें लगाते हैं ताकि ये स्टिक ना हो। और जिस साइड से आप लगा रहे हैं ध्यान रखिएगा उसी साइड से आप रखें पहले। कितनी क्वान्टिटी में लगाना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है, स्टिक नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने स्प्रेड कर दिया है घी, सो मैं इसके अंदर इसको डालूंगी। और जिस साइड से मैंने घी लगाया था मैं उस साइड से मैंने नीचे रखा है, और उसके लिए डाली मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी। चलिए अब इसको और इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे लॉक है, आपको लॉक नहीं लगाना है, अदरवाइज आपने जो अंदर वेजेस फिल किए हैं वो बिल्कुल अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, देख सकते हैं कैसे लाइंस ग्रिल लाइंस बने हैं। अब इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। ये हम थोड़ी देर और रखेंगे एंड देन निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं एंड आवर वेस्ट चीज ग्रिल सैंडविच इज रेडी। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। वैसे तो आप देख सकते हैं चीज कितने अच्छे से बाहर निकल के आ रहा है, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सब देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वेजीज एंड चीज एंड ऑल, उसको खाएंगे तो सोचे कितना मजा आएगा। तो चलिए अब देते हैं खाने के लिए एंड देन रिव्यू देखते हैं कैसा बना है।